अल्पसंख्यकों को तुष्टि, यादवों को संतुष्टि, अल्पसंख्यकों को तुष्टि, यादवों को संतुष्टि, बाकी की तो चीख भी सुनाई नहीं देती है। जब कहा दंगा फैल जाए कौन देखता है, शासन में हनक दिखाई नहीं देती है। अल्पसंख्यकों को तुष्टि, यादवों को संतुष्टि, बाकी की तो चीख भी सुनाई नहीं देती है। हाथी को हटा के हम साइकिल सवार हुए, फ्री रेल फेल हुई, गियर मिलती है। आइए नरेंद्र मोदी आप ही सभा में, अब सत्ता नष्ट की है कोई लाइन माता की नष्ट की है कोई लाइन न देती है। वो सत्ता नष्ट की है वो भाई, वो भतीजावाद कितना है तेज हुआ, लाल बत्तियां हैं आपकी देवरी बटती, यहां बड़े आज छोटे हुए, छोटे बड़ों पे सवार, नानियों की रोज मर्जात घटती, यहां बाप कहता है दूध ठीक से चलाओ रथ, तीन बार कह चुके हैं, बाप कहता है कूद ठीक से चलाओ रथ, कूद कहता है हमें जाना है कहां कहां, बाप कहता है टोपी जालीदार घाट कर चले जाओ हो बुखारी आजम जहां जहां, चले जाओ हो बुखारी आजम जहां जहां। और सीधा प्रश्न, लय प्रताप बांटे टैबलेट कब बांटना, टैबलेट लैपटॉप वादा हुआ, 54 लाख बच्चों को वादा हुआ था जिसमें कुछ बटे हैं भी, 42 लाख बच्चे मुहबाए निहार रहे हैं कि टैबलेट कब मिलेगा, लैपटॉप बटे टैबलेट कब बांटना है। मुहबाए 11 के बच्चे हैं निहारते, और 13 में इंटर जो पास किए खाली हाथ, कब नंबर आएगा कदापि नहीं जानते। अल्पसंख्यक बिटिया को मिलेंगे 1030, केस हो चुके हैं इस पर, अल्पसंख्यक बिटिया को मिलेंगे 1030, और सभी बेटियों के बाप झक मारते और कैसा भेदभाव किया, बेटी बेटी में भी फर्क, सगी और सौतेली वाला भेद आप मानते, सगी और सौतेली वाला भेद आप मानते, सगी और सौतेली वाला भेद आप मानते। छोड़िए इस प्रसंग को, आइए आगे बढ़े। दिल्ली के 4 बलात्कारियों को फांसी की सजा, एक अच्छा उदाहरण समाज के सामने आया। एक तो पहले ही जेल में फांसी लगाकर मर गया था राम सिंह, 4 को फांसी हुई। दिल्ली के बलात्कारियों को तो मिली है मौत, लुच्चे और लफंगों से तो सीधे निराली है, और गुड़िया से बुढ़िया तक रोज है शिकार बनी, समाचार पत्रों पर दृष्टि कभी डाली है। जितने पवित्र रिश्ते सभी को कलंकित है, दृष्ट दोष हुआ या कि काम भाव खाली है, और नारी अस्मिता की करे रक्षा ये समाज यार, नारी शारदा है दुर्गा है महाकाली है, नारी शारदा है दुर्गा है महाकाली है, और धन्य आशाराम हमें कितना निराश किया, धन्य आशाराम हमें कितना निराश किया। 425 आश्रमों के आप स्वामी, अरबों का स्टेटस, धन्य आशाराम हमें कितना निराश किया, 425 आश्रमों के आप स्वामी हैं, एक नहीं सैकड़ा हजार और लाख नहीं, भक्त हैं 4 करोड़, सभी अनुगामी हैं, बने हो कन्हैया नाचते हो रंग नाचते हो, जिंदा कैसे रहे अरे सहे इतनी बदनामी है, इस उम्र में भी रोज चाहते नवेली नहीं, कैसा साधु राक्षस है दुष्ट नीच कामी है, कैसा साधु राक्षस है दुष्ट नीच कामी है। आप उन्होंने टेलीविजन पर कोर्ट जाते हुए देखा होगा, कोर्ट जाते समय ऐसी चाल में उछाल दिखी, कोर्ट जाते समय ऐसी चाल में उछाल दिखी, लगा ये बूढ़ा साधु नहीं मृग छौना है, स्विमिंग पूल बाथ टब झूलों के मिले हैं ठौर, नारियों का खूब झाड़ते थे जादू टोना है, ब्रह्मचर्य वाला वह स्वांग भी तो खूब रहा, नारी को बनाया निषेध का बिछौना है, संत वेशधार हरिबोल भी तरण दुष्ट, कैसे दिखलाया निज रूप ये घिनौना है, कैसे दिखलाया निज रूप ये घिनौना है, कैसे दिखलाया ये रूप ये घिनौना। और अभी कल की घटना, आसाराम और साई नारायण धन्य हुए, आसाराम और साई नारायण धन्य हुए, दाढ़ियों ने क्या विचित्र कर दिया कमाल है, और संत और शैतान ने न अंतर दिखाई दिया, श्रद्धा भक्ति धूमिल है रोज ही बवाल है, नए नए कांड खुलने लगे परत चढ़े, शाहजहांपुर की तो क्रांत बेमिसाल है, और श्वेत देशधारी बाप बेटे व्यभिचारी
जिसे माना गया गुरु, गुरु नहीं वो घंटाल है, गुरु नहीं वो घंटाल है, गुरु नहीं वो घंटाल है। आइए और देखें, भेड़िया पहने हुए शेर दिखा रहे हैं। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने उलाला लगाया, इतने को योगदान भारतीय संस्कृति की तरह ही की वो पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार देते समय हंसी छिछोली में उपराष्ट्रपति महोदय ऐसा डगमगाए कि लगा ऊपर गिर जाए। जो चित्र छपा था दैनिक जागरण में हिंदुस्तान में, उसकी पूरे देश में भर्त्सना हुई। इतने जिम्मेदार पद पर पहुंचकर हंसी छिछोली, वो चित्र हमारे पास है, मैं बिना प्रमाण के कोई चीज नहीं पढ़ता। चार पंक्तियां मैंने लिखी, शहर की छोरियां हैं उला लाला गाने लगी। ध्यान दीजिएगा, शहर की छोरियां हैं उला लाला गाने लगी, उनको बताना पड़ा अब मैं जवान हूं। गीत में है अब मैं जवा हो गई, और जब बेटी कहे कि अब मैं जवा हो गई तो समझो भारतीय संस्कृति की तेरही हो गई। शहर की छोरियां हैं उला लाला गाने लगी, उनको बताना पड़ा अब वे जवान हैं। गांव वाली बेटियां हैं हया शर्म लाज धरी, उनकी जवानी की पवित्र पहचान है। डीजे के बिना न शहरों में होती शादियां हैं, गांव में तो गोलियां हैं ढोलक की तान है। अरे उनको मिले जो हसबैंड बजते हैं रोज, इनके तो पत परमेश्वर समान है, इनके तो पत परमेश्वर समान। और बंधुओं, शादियां कहां हैं, गठबंधन दिखाई पड़े। सत्य घटना, गोसाईगंज के गुप्ता जी बहुत बड़े संपत्ति वाले हैं, कार्ड दिया लेकर भी 23 तारीख को विजया की शादी है, 23 जनवरी आइएगा। हमने कहा भैया कहां से कर रहे हो, कहा जलसा विशाल से। भैया वो 2 लाख रुपए पर रात भर के लिए बुक होता है। हमने कहा क्यों, घर से क्यों नहीं? कहा अरे को लेकर जी, घर से विजया की शादी करने पर घर गंदा हो जाता है। हमने कहा गुप्ता जी आपकी बुद्धि गति, एक महीना पहले से शादियों की तैयारियों में, आटा छनाई में, चावल बिनाई में, मिठाउली देने में, कसार बनाने में, पेटरिया सजाने में, रोज मंगल गीत होते हैं, गीत गंगा से घर पवित्र हो जाता है, और तुम कहते हो घर गंदा हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार। चार पंक्तियां, शादियां कहां है, गठबंधन दिखाई पड़े, दलों के समान वही रोज टूटने लगी, छोरियां पसंद हो रही हैं, राम रक्षा करें, शादी पूर्व घर छोड़ देखो भगने लगी। 3 घंटे का तमाशा, वो भी गेस्ट हाउस में, ग्राम कुल देवता का त्याग करने लगी। वो छेई लो दरेती, चाकी गाड़ी तेल मैन कहां, कैसा रोना धोना किया भाई चलने लगी, कैसा रोना धोना किया भाई चलने लगी, कैसा रोना धोना किया भाई चलने लगी। ये हमारी संस्कृति हो गई है। बंधुओं, कृपा तो करेंगे द्रौपदी के ही समान, कब डारी की तो लाज में सदैव ही बचाएंगे। गजग्रह वाला वो प्रसंग आप याद करें, नंगे पांव वासुदेव दौड़े चले आएंगे। अधम अजामिल योगी गगनिका समान, पल में दे मोक्ष ना भेर में लगाएंगे। और किंतु एक चिंता, द्रौपदी के पास साड़ी नहीं, चाह के भी कैसे जिस ताप को बढ़ाएंगे, चाह के भी कैसे जिस ताप को बढ़ाएंगे, चाह के भी कैसे जिस ताप को बढ़ाएंगे। आइए कुछ और प्रकरणों की ओर चले बंधुओं। हमारे देश में भी कई आंदोलन हुए, और उन आंदोलनों ने हमको बहुत झकझोरा। खून दो हमें तुम्हें आजादी हम देंगे सुनो, खून दो हमें तुम्हें आजादी हम देंगे सुनो, नेताजी सुभाष के ये मंत्र हमें भा गए। राज ऋषि टंडन ने आलू खून खाए बंद, ऐसी सादगी की मन मंदिर में छा गए। लाठी लेके गांधी जी स्वराज को बढ़े नहीं, कि पीछे पीछे उनके करोड़ों लोग आ गए। और आज के ये नेता कितने सुनाम धन्य हुए, जूते और चाटे का इनाम तक पा गए, जूते और चाटे का इनाम तक पा गए, जूते और चाटे का इनाम तक पा गए। आपने देखा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को जब तड़ाक से चाटा पड़ा तो पूरी केंद्रीय राजनीति झनझना गई बनी। दूसरा आंदोलन हुआ